नमस्कार दोस्तों, इस अध्याय में मनु महाराज के वंश का वर्णन है। मनु एवं शत्रुपा के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्थानपाद तथा तीन कन्याएं आकुति, देहूति और प्रसूति हुई। मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उनकी विशाल वंश परंपरा सारी त्रिलोकी में फैली हुई है। दक्ष और प्रसूति से सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। दक्ष ने उनमें से 13 धर्म को, 1 अग्नि को, 1 समस्त पितृगणों को और 1 शंकर को ब्याह दी। धर्म की पत्नियों के नाम हैं श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, दृष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ही और मूर्ति। इन पत्नियों में से प्रत्येक से धर्म का एक एक पुत्र हुआ। श्रद्धा का विवाह धर्म के साथ हुआ। इनसे जो पुत्र हुआ उसका नाम है शुभ। श्रद्धा धर्म के साथ जुड़ेगी तभी वह शुभ होगी। धर्म में श्रद्धा ही जीवन में शुभ फल दे पाएगी। कोरी श्रद्धा या जागतिक पदार्थों के प्रति श्रद्धा रखने वाले से जीवन सार्थक नहीं बन सकता। दक्ष की दूसरी पुत्री मैत्री का विवाह भी धर्म के साथ हुआ। इनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम है प्रसाद। प्रसाद यानी प्रसन्नता। मैत्री धर्ममय होगी, धर्मानुकूल होगी तो ही प्रसन्नता जन्मेगी, तभी प्रसन्नता का उदय होगा। यदि मैत्री का संबंध छल, कपट, स्वार्थ से होगा तो मैत्री आनंद की जगह कलह, कलेश, कष्ट देगी। कितना सुंदर रूपात्मक विवेचन प्रस्तुत किया है भागवतकार श्री व्यास जी ने। दक्ष की तीसरी पुत्री है दया। दया का विवाह जब धर्म से होता है तो उनसे अभय नाम का पुत्र उत्पन्न होता है। धर्म का आश्रय लेकर जो दया की जाएगी वही वास्तव में दया पाने वाले व्यक्ति को अभयता प्रदान कर पाएगी। धर्म विहीन दया सामने वाले को दीन बनाती है, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाती है। दक्ष की चौथी पुत्री शांति का विवाह धर्म के साथ होने से जो पुत्र हुआ उसका नाम है सुख। कानून, भय, आतंक के द्वारा भी शांति स्थापित की जा सकती है, पर यह शांति सुख नहीं देती। केवल वही शांति ही सुख दे पाएगी जो धर्म के माध्यम से प्राप्त की जाएगी या की गई होगी। धर्म के द्वारा स्थापित शांति ही समाज में सुख चैन ला पाएगी। दक्ष की पांचवी पुत्री तुष्टि का विवाह धर्म से हुआ है और उनसे जो पुत्र हुआ है उसका नाम है मोद। मोद का अर्थ अर्थात आनंद। कितना सुंदर रूपक है। जब व्यक्ति के जीवन में धर्म के माध्यम से संतुष्टि आएगी तभी व्यक्ति आनंद प्राप्त कर सकेगा। केवल भौतिक संतुष्टि से आनंद का जन्म नहीं हो सकेगा। पक्ष की छठवीं कन्या है पुष्टि। धर्म के साथ जब पुष्टि का विवाह होता है तो उनके पुत्र का नाम होता है अहंकार अर्थात गर्व। पुष्टि का अर्थ है वृद्धि, अभ्युदय। जब किसी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र के वैभव में वृद्धि होती है, उनमें समृद्धि आती है और वह धर्म के मार्ग से आती है, ईमानदारी से आती है, तो उनमें गौरव का उदय होता है। ऐसा व्यक्ति या राष्ट्र गौरवान्वित होता है। उसके गौरव में
गौरव, गरिमा, प्रतिष्ठा, कीर्ति, यश का प्रकाश चारों ओर फैलता है। दक्ष की सातवीं कन्या है क्रिया। क्रिया का विवाह धर्म के साथ होता है तो योग का जन्म होता है। केवल धर्म में क्रिया ही योग उत्पन्न कर सकेगी और इसी योग से व्यक्ति परमात्मा से जुड़ सकेगा। धर्म में कार्य योग बन जाता है। दक्ष की आठवीं कन्या है उन्नति। उन्नति और धर्म के एक्सेस से जो पुत्र हुआ उसका नाम है दर्प। यहाँ दर्प का अर्थ अहंकार नहीं है, दर्प का अर्थ उत्साह है। मनुष्य की उन्नति में जब धर्म का साथ होता है तो उस उन्नति से उसका उत्साह वर्धन होता है। ऐसा व्यक्ति संसार के कल्याण के कार्यों में रुचि लेता है, अपनी संपत्ति को समाज सेवा में लगाता है। धर्म में उन्नति से ही व्यक्ति के जीवन का उत्थान होता है। नवी कन्या है बुद्धि। बुद्धि का विवाह धर्म के साथ हुआ तो उनका पुत्र हुआ अर्थ। अर्थ का तात्पर्य यहाँ धन से नहीं है। बुद्धि जब धर्म के साथ समृद्ध होती है तो व्यक्ति में दिव्य अर्थ भाव जन्मता है। जब उनमें जीवन का अर्थ, उसका अभिप्राय, उसका उद्देश्य जानने हेतु जिज्ञासा जागती है और व्यक्ति अभ्यास अध्यात्म पथ पर अग्रसर होता है, ऐसा दिव्य रूपक, ऐसा दार्शनिक भाव केवल भागवत जैसे महान ग्रंथ में ही प्रस्थान ग्रंथ ही प्रस्तुत कर सकता है। दसवीं कन्या है मेधा। मेधा का विवाह धर्म के साथ हुआ तो जो संतान जन्मे उसका नाम है स्मृति। मेधा धर्म के साथ जुड़ेगी तभी मनुष्य को अपने स्वरूप की सही स्मृति आएगी। धर्म की ग्यारहवीं कन्या है तितिक्षा। आदर्श सहनशीलता। तितिक्षा का विवाह धर्म के साथ होता है तो क्षेम की उत्पत्ति होती है। व्यक्ति यदि कुशल चाहता है तो उसे धार्मिक होने के साथ साथ सहनशील भी होना चाहिए। असहिष्णु एवं अधार्मिक व्यक्ति कभी भी कुशल क्षेम से नहीं रह सकता। दक्ष की बारहवीं कन्या है ही अर्थात लज्जा। ही का विवाह धर्म के साथ हुआ तो उसका पुत्र हुआ प्रशय अर्थात विनय। सभ्यता लज्जा सभ्यता की जननी है। लज्जा ना हो तो समाज में कोई मर्यादा ही ना रहे, लोगों का आचरण अमर्यादित पाश्विक हो जाए। लज्जा का धर्म के साथ गठबंधन होगा तो विनय का अविभाव होगा और तभी सभ्यता का विकास संभव हो सकेगा। तेरहवीं कन्या है मूर्ति। मूर्ति का धर्म के साथ विवाह हुआ तो उनमें तो उससे नर नारायण जन्मे। मूर्ति पूजा की उपासना की घोतक है। धर्म में उपासना होगी, धर्म की प्रतिष्ठा होगी तो नर नारायण स्वरूप हो जाएगा। धर्म के साथ जुड़कर ही सद्गुणों में निखार आता है। धर्म के साथ होने पर ही सद्गुण सुशोभित होते हैं। ऐसे योग से उत्पन्न दिव्य गुण संपन्न सन्नति ही समाज एवं राष्ट्र का उत्थान कर सकती है। कोरे गुण, धर्मविहीन गुण गंधहीन पुष्पों की तरह है जो केवल अपने स्वरूप पर इठलाते हैं पर लोगों के हृदय में शांति और आनंद की खुशबू नहीं फैला पाते। तो दोस्तों, यह थी दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ होने की कथा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।